माय न्यू ब्लॉग। कैसे मेरी भाई की फैमिली आई हो, सब अच्छे होंगे? मैं भी एकदम ठीक हूँ, बढ़िया हूँ। और फ्रेंड्स, आज बना रहे भैंस सोया जी सब्जी। वो कहाँ है? छानने वाली है ना? हाँ, ये छानने छानने वाली है। फिर वो यूज ये रही वो तो ये नहीं, दूसरी एक और जाली वाली जो होती है, जाली वाली वो नीचे नीचे है इसमें है। हाँ, तो कपड़ा जो है ना उसे पकड़ लो, उससे ठंडे पर है, उससे जलेगा नहीं। किचन से छुट्टी मिल गई है, सब्जी का काम कर रहे हैं बैसोया जी। देखिए किचन कैसे फैला दी है इन्होंने पूरी। मेरा डबल काम बढ़ा दिया है। और ये बना रहे हैं सोया चाप सब्जी, क्योंकि सोया चाप मैंने कभी बनाई नहीं है। देसी कैसे घिला? देसी सोया चाप बन रही है देसी घी में। पसीने कैसे साफ कर रहे हैं आवाज इन्हें पता चलेगा। किचन में काम करने गर्मी में कितना मुश्किल है। ये इन्होंने देसी घी चढ़ा दिया। अब इसमें डाला है जीरा, सोयाबीन पहले ही भून ली इन्होंने। ये टमाटर मिक्सी में ग्राइंड कर लिए थे, सॉरी टमाटर नहीं, प्याज मिक्सी में ग्राइंड कर ली थी। ये इन्होंने इसमें डाल दी है। अब ये इसे करेंगे फ्राई। फ्राई करोगे? डाल दिया नमक स्वाद अनुसार। अब इन्हें कब तक भूनोगे? जब तक कलर चेंज ना हो जाए। नहीं, अभी कलर चेंज नहीं हुआ है। और ये मिर्ची कितनी सारी, इसी में डालोगे मिर्ची भी? ये इसमें डाल रहे हैं अदरक लहसुन का पेस्ट, बना बनाया लेके आए हैं। और ये हरी मिर्च। ये कौन सा मसाला बनाया आपने कटोरी में? सोयाबीन मसाला है। ये सोयाबीन का अलग से मसाला लाए हैं, पानी में मिक्स करके बनाया और अब ये इसमें डाल दिया। फिर इसके बाद और मसाले डालने की जरूरत नहीं है? अब कुछ नहीं डालना पड़ेगा इस मसाले के बाद? कुछ नहीं डालना। टमाटर डाल दिया आपने इसमें? अच्छा, टमाटर एंड में डालेंगे। ये हो गई ग्रेवी रेडी। अभी नहीं हुई रेडी, अभी मसाला पकेगा। अच्छा, कह रहे अभी रेडी नहीं हुई, मसाला पकेगा। मसाले ने तेल छोड़ दिया। मसाले ने देखिए तेल छोड़ दिया है, मतलब कि ये अब रेडी है बनके। इसमें डालेंगे
अच्छे से पक चुके हैं मसाले। और अब इसमें ये डाल रहे हैं सोयाबीन, जो इन्होंने पहले से ही तल के रखी हुई है, सोयाबीन चाप। टमाटर और भी बाद में डालेंगे, टमाटर और भी एंड में डालेंगे, अभी नहीं डाले। कितनी देर पकाओगे ना? 5 मिनट बस। 5 मिनट और अभी पकाएंगे। ये 5 मिनट पक गई है और अभी ये इसमें डालेंगे क्या, ये दही, दही का पेस्ट बनाया हुआ है। अब इसे कम से कम 10 मिनट पकेगी, दही पक जाएगी 10 मिनट, उसके बाद टमाटर का पेस्ट डालेगा। अब 10 मिनट के लिए और इसे ढक के रख देंगे, 10 मिनट बाद इसमें फिर टमाटो पेस्ट डालेंगे। तो देखिए सब्जी का कलर तो अभी से इतना यम्मी और टेस्टी लग रहा है। देखो फ्रेंड्स, ये लग गई है इनके खाने की थाली, चाप की सब्जी। और नानी ये बाहर से लेके आई हैं, मेरे से कुछ भी खाना नहीं बनवाया, सब्जी खुद बनाई है, नान बाहर से लेके आई हैं, सैलिड और नान में लगा रहे हैं घी। ईशान को सब्जी बहुत अच्छी लगी, मैंने उससे पूछा तो कह रहा था मम्मी सब्जी बहुत अच्छी है। यशिका को ठीक ठीक लगी। और ओवरऑल इससे मैं इसलिए बोल रही हूँ कि टीवी चल रहा था, टीवी की आवाज़ आ रही थी, फिर कॉपीराइट आने का डर होता है ना, इसीलिए। फ्रेंड्स यहाँ तक मेरी वीडियो में आ गए हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, जिससे नई नई वीडियो आप सबको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस। मसाला उट्स।